पुलिस ने कांग्रेस नेता समेत तीन लोगों को शराब तस्करी में गिरफ्तार किया है। आरोपी लग्जरी कार से अवैध शराब की तस्करी कई वर्षों से कर रहे हैं। पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़कर आबकारी एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। वाक्या डिंडोरी का है, जिसमें कांग्रेसी नेता जिसका नाम शकील खान बताया जा रहा है, वो अपने दोस्त जो जबलपुर का रहने वाला है उसके साथ जबलपुर से लग्जरी कार से शराब लेकर डिंडोरी आ रहा था। पुलिस ने उसे रास्ते में ही रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लग्जरी कार और 5 लाख रुपए की शराब बरामद की है। शराब तस्करी का यह काम आरोपी कई वर्षों से कर रहा है, लेकिन राजनीतिक सपोर्ट मिलने की वजह से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। और इस तस्करी में गिरफ्तार कांग्रेसी नेता शकील खान अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी में जिला उपाध्यक्ष भी हैं। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस मामले में डिंडोरी एसडीओपी ने बताया कि घेराबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और श्रीमती पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अवैध मादक पदार्थ हैं इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है और कार्यवाही की जा रही है। इसी के क्रम में कल रात जो सिटी कोतवाली पुलिस है उसको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जबलपुर से एक वाहन जिसका वाहन नंबर MP20CJ5945 है, उसमें अवैध रूप से शराब डिंडोरी में बिक्रे हेतु आ रही है, जिसमें हमारा जो स्टाफ है ASI सुधीर पटेल, ASI विपिन जोशी, ASI राकेश यादव और दीपक उइके, इन लोगों ने मिलकर घेराबंदी करके उस गाड़ी को पकड़ा। और जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उसमें लगभग 9 पेटी जो है वो शराब जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये रखी हुई थी। आगे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये बिक्री हेतु लाई गई थी डिंडोरी में। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।